नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने पूर्व के वीडियो के आगे के अध्ययन सामग्री का अध्ययन करेंगे। आज हम मध्य पाषाणयुगीन स्थल और नव पाषाणयुगीन स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य पाषाण युग के बारे में अगर हम देखें तो मध्य पाषाण युग में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिनको हम बड़े ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं। सबसे पहला परिवर्तन आया कि इस युग में सूक्ष्म पाषाणों का या छोटे छोटे पत्थरों के उपकरणों का निर्माण किया गया, इसलिए इस युग को सूक्ष्म पाषाण युग कहा जाता है और इसी को हम अंग्रेजी भाषा में माइक्रोलिथ एज भी कह सकते हैं। दूसरा, इस युग में अस्थि निर्मित औजारों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ। तीसरा, इस युग में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का प्रयोग किया जाने लगा जिससे दूरी से शिकार करना संभव हो पाया और बड़े बड़े जानवरों के स्थान पर छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया जाने लगा। इसी युग में प्रक्षेपास्त्र पर तकनीक पर आधारित एक औजार गोफण, जिसका राजस्थान में बहुतायत से आज भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस युग में मिट्टी से निर्मित मृदभांड बनाए जाने लगे, लेकिन ये मृदभांड चाक से निर्मित ना होकर हाथ से निर्मित होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन इस युग में हुआ वो था पशुपालन का प्रारंभ। जब हम इन्हीं सभी विशेषताओं से संबंधित या मध्य पाषाण युग से संबंधित स्थल की राजस्थान में देखते हैं तो हमें राजस्थान में दो स्थलों की खुदाई कार्य किया गया है। राजस्थान में पहला है बागौर और दूसरा है तिलवाड़ा। बागौर की जब हम चर्चा करते हैं तो बागौर भीलवाड़ा जिले में स्थित है, वह कोठारी नदी के किनारे पर अवस्थित है। इस स्थल की खुदाई वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने की और यहाँ से हमें मध्य पाषाण युगीन स्थल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हमें प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। यह स्थल जिस स्थान पर है और जहाँ पर जिस टीले की खुदाई की है उसे महासतियों का टीला कहा जाता है और इसे संस्कृतियों का अभिलेखागार भी कहा जाता है। दूसरा जो स्थल है वह है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा बाड़मेर में अवस्थित है, लूणी नदी के किनारे अवस्थित है और इसकी खुदाई कार्य भी वीएन मिश्र द्वारा ही किया गया है और यह भी मध्य पाषाण युग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में मध्य पाषाण युग से संबंधित स्थलों की प्राप्ति नहीं हुई है। यद्यपि यहाँ पर मध्य पाषाण युगीन बहुत सारे स्थल रहे होंगे पर अभी तक खुदाई कार्य नहीं हो पाया। जब हम नवपाषाण स्थल की बात करें, नवपाषाण युग की बात करें तो नवपाषाण युग में दो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन आए, एक चाक या पहिए का आविष्कार और दूसरा कृषि का आविष्कार। सबसे पहला जो चाक या पहिए का आविष्कार है उसका प्रयोग यातायात के साधनों के तौर पर ना करके केवल मिट्टी के मृदभांड बनाने के में किया जाता था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस युग में हमें चाक निर्मित मृदभांडों का की प्राप्ति होती है। दूसरा, कृषि के आविष्कार के संदर्भ में अगर बात करें तो इस युग में मानव द्वारा कृषि करना सीख लिया गया था और चूंकि कृषि करने के लिए स्थायी रूप से आवास की आवश्यकता थी, इसलिए पहली बार स्थायी जीवन या स्थायी निवास इस युग में प्रारंभ होता है, जिससे हमें गाँव या छोटे छोटे कबीलों की जानकारी भी प्राप्त होती है और स्थायी जीवन के साथ ही हमें प्रारंभिक आवासों की जानकारी मिलती है और प्रारंभिक आवासों में चूंकि ये खड्डे खोदकर आवास बनाए जाते थे इसलिए इनको गर्तावास कहा जाता है। जब हम इन्हीं सभी साक्ष्यों वाली या इन्हीं सभी विशेषताओं वाली स्थलों की बात राजस्थान के संदर्भ में करते हैं तो यद्यपि राजस्थान में नवपाषाण युग से संबंधित मानव निवास करता होगा और बहुत सारे स्थल रहे होंगे, लेकिन अभी तक नवपाषाण युग से संबंधित किसी भी स्थल की खुदाई राजस्थान में नहीं की गई है। आज हम इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे के वीडियो में हम आद्य ऐतिहासिक युगीन स्थलों की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।